हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग को केवल एक स्ट्रिप से, देखिए ये बची हुई स्ट्रिप है सूट में से, तो और भी मैं इसमें से पर्स बना चुकी हूँ। तो देखिए इस स्ट्रिप का मैं पर्स बनाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर सा। तो देखिए जितना कपड़ा है उस हिसाब से पहले मैं कट कर लेती हूँ अपने पर्स के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने सोचा नहीं है किस टाइप का बनाने वाली हूँ, लेकिन कटिंग करते करते मैं सोच भी लूँगी किस टाइप का मुझे बनाना है, क्योंकि जैसा कपड़ा निकलेगा उसी के हिसाब से मैं जो है इस पर्स को बनाऊँगी। तो देखिए पहले कटिंग कर लेती हूँ अपने हिसाब से जितना भी कपड़ा है उतना, और फिर मैं आपको इसका नाप बताऊँगी और फिर पर्स बनाना बताऊँगी। तो देखिए इसकी हमने कटिंग कर ली है बराबर से जितना भी कपड़ा हमारा निकला। तो देखिए 8 इंचज़ की लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 4.25 इंच। तो 4.25 × 8 इंच की हमने 2 पीस कट किए हुए हैं और 2 हमने लिए हुए हैं चैन के टुकड़े। और देखिए ये मैंने प्लास्टिक बोरी यूज की है, अगर आपके पास प्लास्टिक बोरी ना हो फॉर्म लगा सकते हो, फॉर्म भी ना हो तो बुकरम लगा सकते हो, बुकरम भी ना हो तो आप कोई भी हार्ड सा कपड़ा या फिर शॉपिंग बैग वगैरह लगा सकते हो डबल करके। अब देखिए इस पे हम चैन को अटैच कर देंगे यहाँ पर दोनों साइडों में। तो जो डिज़ाइन है वो मैं ऊपर की साइड में लेने वाली हूँ इस पर। अगर आपका प्लेन कपड़ा है तो भी बहुत खूबसूरत लगने वाला है। अब देखिए ऊपर से भी हमें एक एक सिलाई लगा देनी है दोनों पार्टों में, तो वो भी हमने लगा दी है। अब देखिए एक काम और करना है आपको, एक लेना है लेस का कोई भी टुकड़ा। तो ये ब्लाउज में से बची हुई लेस है। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरी साइड है चैन वाली उसके साइड में आपको सिल देना है उसको रखते हुए ऊपर से। तो ये जो लेस का टुकड़ा है वो हमारा करीब 2 इंच चौड़ा है, या फिर कपड़ा सॉरी लेस ना हो आपके पास तो आप कपड़ा भी यूज कर सकते हो 2 इंच चौड़ा लेते हुए, उसे अपने अकॉर्डिंग जैसे सिल सकते हो। उसके नीचे आप अगर कपड़ा हो तो आप उसके नीचे थोड़ा सा, जो मैंने प्लास्टिक बोरी यूज किया तो प्लास्टिक बोरी जो भी आप यूज करो वो आप लगा सकते हो। तो देखिए हमने एक और कपड़ा कट कर लिया है इसके बिल्कुल बराबर का। अब देखिए हम इसको पहले कर देते हैं साइड में और इसमें डाल देंगे हम पहले रनर। तो रनर भी हमने डाल दिए हैं। अब जो हमने कपड़ा इसके बराबर कट किया हुआ है उसको हम चारों तरफ से पहले सिल देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए पहले मैं इसको सिल देती हूँ फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। बहुत ही प्यारा सा हमारा केवल 5 मिनट में पर्स बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है चारों तरफ से, एक सिलाई हम बीच में और लगा लेंगे क्योंकि हमने पूरे को एक ही कपड़ा लिया है और हमारी इसमें 2 चैन लगी हुई हैं, तो अलग अलग पॉकेट करने के लिए हमने इसमें बीच में सिलाई लगाई हुई है। अब देखिए इसको हमें डबल फोल्ड करके इस तरीके से सेट कर देना है आलपिन की सहायता से, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हो अगर आपके पास आलपिन नहीं है तो। लेकिन आलपिन अगर आप थोड़ी बहुत सिलाई करते हो तो आलपिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं, क्योंकि उससे क्या है कि पहले ही आप सेटिंग कर सकते हो अच्छे से, आपको बार बार पर सिलाई वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है तो मतलब नौबत ही नहीं आती है अगर आप आलपिन से पहले सेट कर लोगे तो। तो देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने कट कर दिया है, अब हम लगा लेंगे इसके ऊपर से। तो हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि लेस लगी हुई है, तो हम 3 साइड से पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए मैंने कुछ ये कलर में मैच हो रहा था तो ऐसी पाइपिंग ले ली है, आप कोई भी डिफरेंट ले सकते हो अगर पूरे पर पाइपिंग आ रही हो तो, बस अच्छा लगना चाहिए। और देखिए इस तरीके से हम इस पाइपिंग को लगा लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी साइड में लगा लेंगे। और गाइस अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ और नए नए पर्स की वीडियो भी लाती रहती हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को हमारा ये आइडिया कैसा लगा। तो देखिए इस तरीके से अब हम सिल देंगे और हमारा पर्स 2 जिप वाला देखिए रेडी है। और इसमें आपका आसानी से मोबाइल भी आ जाएगा क्योंकि 8 इंच इसकी चौड़ाई है और मोबाइल की तो 6 इंच होती है, 6 साढ़े 6 इंच केवल। तो ये हमारा प्यारा सा पर्स बन के रेडी है। आप इसे मार्केट वगैरह के लिए जैसे भी यूज करना चाहो
वैसे आप कर सकते हो। अगर आपका और भी ज़्यादा अच्छा कपड़ा है तो आप पार्टी वियर भी यूज कर सकते हो। तो बाय बाय।